रेट तो लिख रहा है ना, इनके कहने से कुछ होगा ना उनके कहने से कुछ होगा। भैया मनाई हमारा मामला ये है कि हमने अपनी मामी, उनका नाम है रंजीत कौर, उनकी उम्र है 48 साल, उनका ऑपरेशन हुआ था। उनका ऑपरेशन होने के बाद उनको कुछ तकलीफ हुई, तो हमने उनकी जो डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो लाके डॉक्टर समील गोविल, ये कनिष्क हॉस्पिटल तिलक नगर, हमने इनको लाके दिखाई और इन्होंने ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत माइनर सी चीज़ है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है और बहुत माइनस चीज़ है, हम इनको ठीक कर देंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप इनको यहाँ पे शिफ्ट कराइए। टाइम लिमिट 2 से 5 दिन उन्होंने बताई। हम कहे ठीक है सर, हम उनको यहाँ पे लिया है और यहाँ पे भर्ती कराने के बाद इन्होंने अपना सिलसिला वही स्टार्ट करा, इन्होंने जो भी अपना खर्चे बताया कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपये हम लोग से जमा कराया है। 5 लाख रुपये जमा कराने उपरांत इन्होंने 2 लाख के ऊपर की दवाइयाँ मंगाई हैं, जिसके पर्चे इनके पास खुद सारे रिकॉर्ड्स में होंगे। और उसके बाद इन्होंने आज यानी कि 29 तारीख की रात 12 बजे इन्होंने हम लोग को ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाने के बाद इन्होंने हमसे बोला कि इनकी पल्स नीचे गिर रही है, पल्स नीचे गिर रही है। और सबसे बड़ी चीज है, जिस समय हम इनको जिस कंडीशन में लाए थे 3 दिन के इलाज के दौरान, इनकी कंडीशन वैसी की वैसी थी, यानी कि उनको 2 ml तक क्या नाम है बाथरूम नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमको ऊपर लाया, इन्होंने बोला कि अब इनकी दिक्कत समस्या आने वाली है और आप लोग सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। हम कहे ठीक है, और इन्होंने बोला कि अभी इनको कार्डियक अरेस्ट पड़ेगा, जिसकी तैयारी हमने कर रखी है। बस इतना बोलते बोलते ये यहाँ पे लाए, और यहाँ पे लाने के बाद ये लोग पीछे के रास्ते से फरार हो गए। इन्होंने लिफ्ट बंद कर दी, यहाँ पे ताला लगा दिया सीढ़ियों पे, कोई ऊपर नहीं आ पाया। हाँ जी सॉरी, हाँ इनको पता था पहले से कि कार्डियक अरेस्ट आएगा, ये अंतर्यामी है, भगवान है ये। इन्होंने यहाँ पे सब ताला लगवा दिया, किसी को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद मजबूरन यहाँ का सीसीटीवी फुटेज है जिसपे सारी रिकॉर्डिंग्स है, यहाँ के गार्ड को बोला, वो कहता है मेरे पास चाबी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ताला तोड़ के पेशेंट, हम लोग ने अपने घर वालों को सब यहाँ पे अंदर बुलाया, देखा उनकी सांसें चल रही थी। सांसें चलते चलते अराउंड 20 मिनट बाद यहाँ के चौकी इंचार्ज जो है थाने के, वो आए, उन्होंने देखा। वो 50 मिनट तक प्रयास करते रहे कि कोई डॉक्टर कोई स्टाफ का मेंबर आ जाए यहाँ पे और देख ले आके। उनके प्रयास करने के बाद, चौकी इंचार्ज के प्रयास करने के बाद कोई नहीं आया। फिर सीओ साहब आए, सीओ साहब आने के बाद सीओ 2 घंटे तक सीओ साहब ने कोशिश करी है, कोई नहीं आया। सारे प्रयास उनके व्यर्थ गए, कोई नहीं। उनसे डॉक्टरों ने कहा कि ये कोलैप्स कर गई हैं और यहाँ से चले, डॉक्टर हट गए, परिवारीजन आ गए। तब तक परिवारीजन अपना डॉक्टरों की तलाश करने लगे, हंगामा होने लगा, तो फिर पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद 2 बजे उन्होंने फिर डेथ क्लियर करके बताया है। हम अपनी जो भी वैधानिक कार्रवाई हो रही वो कर रहे हैं।